मेवाड़ के उस योद्धा के बारे में बात करूंगा, मेवाड़ के उस स्वाभिमानी पुरुष के बारे में बात करूंगा, मेवाड़ का एक ऐसा राजा जिसको हम योगी भी कह सकते हैं, सच्चा नायक भी कह सकते हैं। आज उस योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1597 बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में जैवंता की कोख से जन्म हुआ इस प्रताप सिंह का जीवन के प्रारंभिक वर्षों को अगर देखा जाए, प्रताप सिंह और बाकी जो इनके भाई थे, तो दूसरी जो रानी जिसका नाम था धीरबाई, वो हमेशा यही चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। प्रताप के मन में और माता जयवंता के मन में ये कभी विचार नहीं था कि हमारे प्रताप मेवाड़ के अगले राजा बने। उनको ये था कि जो भी उदय सिंह जी निर्णय करेंगे वो राजा बनेंगे। ऐसी स्थिति में निर्णय कुछ और ही हुआ। प्रताप सिंह के रहने के लिए कुंवर पदा के महल स्थान निश्चित किया गया और इनकी माँ और ये सब वहाँ रहते थे कुंवर पदा के महल में, और वहाँ से इनका खाना वाना आता था। कुंवर प्रताप सिंह उस महलों में रहने के बावजूद भी बड़ी खुशी से आनंद से रहते थे। क्या विपरीत परिस्थितियों में इंसान कैसे रहता है, इनसे सीखा जा सकता है। सामान्य जन के साथ जाते थे, खिलते कूदते थे, दोस्तों के साथ में भोजन करते थे, भीलों के साथ में खेलते थे, और भील इनको कीका कहते थे, कीका के नाम से जाने जाते थे। महलों में इनके पालन पोषण की जब बात करें तो इनका पालन पोषण और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा इनकी माँ का पड़ा। पाली के अखेरा सोनग्रह की पुत्री जयवंता बाई का इनके ऊपर प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभाव था। जयवंता ने इनको वीरता के गुण सिखाए, जयवंता ने मातृ प्रेम की शिक्षा दी। जयवंता ने कहा कि बेटा, मातृभूमि से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। उदारता के गुण सिखाए, न्यायप्रियता के गुण सिखाए, शूरवीरता के जयवंता ने गुण सिखाए। छोटे जब बच्चे थे तो जयवंता अपने सामने इनको बैठा करके हमेशा वीर पुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी, और ये कुंवर प्रताप सिंह उन कहानियों को बड़ी ध्यान से सुनते थे। माँ का इतना प्रभाव पड़ता है। इतिहास के अंदर कुछ ऐसी माँ हुई जिन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण वीर पुरुषों की भांति किया। जैसे उदाहरण से जीजाबाई किसका पालन पोषण किया, शिवाजी का पालन पोषण किया। ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण इतिहास के अंदर मिलेंगे। ये वो महल है कुंवर पदा के महल, जबकि कुंवर प्रताप सिंह को महलों में रहना चाहिए था, लेकिन रहने के लिए ये स्थान उनका निर्धारित किया गया। इसमें रहने के बावजूद भी इनको किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी। सच्चे राष्ट्रभक्त जिनके मन में कुर्सी का सपना नहीं होता है ना, उनको जनता अपने आप कुर्सी दे देती है। और इनको किसी प्रकार, इनको पता था मेवाड़ के राणा जो भी होंगे मैं उनके साथ रहूंगा और इस मातृभूमि के लिए लड़ूंगा। यहाँ पर इनके रहने की और भोजन की व्यवस्था थी, काफ़ी इनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसके बाद में ये आप चित्र के अंदर देख रहे होंगे, ये चित्र उस व्यक्ति का है, इसके बारे में इतिहास में प्रश्न भी पूछा गया कि महाराणा प्रताप को शस्त्र और शास्त्र, देखो एक तो शब्द होता है शास्त्र और एक शब्द होता है शस्त्र, तो शस्त्र की विद्या देने वाले व्यक्ति अलग थे और शास्त्रों की विद्या देने वाले व्यक्ति अलग थे। महाराणा प्रताप को आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा देने वाले भी योगी अलग थे, उनका नाम था योगी रूपनाथ जी। महाराणा प्रताप को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा योगी रूपनाथ जी ने दी थी। महाराणा प्रताप को शास्त्रों की शिक्षा और साथ साथ में कई सारे शस्त्रों की शिक्षा इनके गुरु थे जिनका नाम था गुरु राघवेंद्र जी के द्वारा दी गई, और महाराणा प्रताप को शस्त्रों की जितनी भी शिक्षा सिखाई थी और जयमल जी राठौड़ ने सिखाई थी। ये जयमल राठौड़ इतिहास प्रसिद्ध चित्तौड़ में एक साका हुआ था तीसरा, और तीसरे साके के अंदर चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर जो नेतृत्व करता दो थे, एक का नाम था जयमल राठौड़, दूसरे का नाम था फतेह सिसोदिया। अब सवाल पूछा जा सकता है शस्त्रों की शिक्षा किसने प्रदान की थी, जयमल राठौड़ ने की थी। एक बार की बात है कि कुंवर प्रताप सिंह और कुंवर शक्ति सिंह किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो गया, इनके बीच में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने शस्त्र निकाल दिए। स्थितियाँ ऐसी हो गई कि बहुत नुकसान हो सकता है। तब उनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था नारायण जी पालीवाल,
पुरोहित जी ने आए और पुरोहित जी ने कहा कि रुकिए, आप प्लीज ऐसा मत करिए। उनको पता था कि अगर शक्ति सिंह विजयी रहे तो महाराणा प्रताप चले जाएंगे, और महाराणा प्रताप विजयी रही तो भाई की मृत्यु भी हो सकती है। आज मेवाड़ को बचाना जरूरी है। तब उन्होंने कहा कि आप रुक जाइएगा, अगर ऐसा करोगे, अगर नहीं रुकोगे तो ब्राह्मण की हत्या का आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। और तब भी वे लोग आवेशित एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने को आतुर थे। इतने में नारायण जी ने कटार अपने पेट में घोंप दी और कहा कि अब अगर आप आगे बढ़े तो आप समझ लो ये मेरी जो मृत्यु है इसका आरोप आप पे लगेगा, और ब्राह्मण की हत्या का आप दोनों कुंवर पर आरोप लगेगा, नहीं तो प्लीज़ रुक जाइए, मैं बलिदान दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, रुक जाइएगा। बताओ कैसे लोग होते थे उस समय, इनको बचाने के लिए कौन कौन बलिदान नहीं देते थे। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। आज पुरोहित जी को लगा कि इन दोनों में से किसी एक का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा नुकसान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीथल खग हाथा पकड़ सांगा कियो वार, सारंग झेले शीश पर उन पर सांग उबार। वे लोग भी देखो इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहां पर आप शस्त्र विद्या सीखते हैं, इसके बाद में यहां स्थिति आ जाती है। वो होली का दिन 28 फरवरी 1572 उदय सिंह जी का देहांत होता है। देहांत के समय दाह संस्कार जब हो रहा था तो दाह संस्कार के समय जिसका राज्याभिषेक होगा वो उपस्थित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ग्वालियर के राजा वहां उपस्थित थे जिनका नाम था राम सिंह जी तंवर। राम सिंह जी तंवर ने जगमाल के छोटे भाई सगर से पूछा कि आपके भाई जगमाल कहाँ है। उन्होंने कहा कि बैकुंठवासी उदय सिंह जी उनको उत्तराधिकारी घोषित करके गए, वे राजमहल में उनका राज्याभिषेक हो चुका है। ऐसी स्थिति में राम सिंह जी तंवर ने पाली के अखेरा जी सोनग्रा से पूछा कि अगला मेवाड़ी राजा कौन होगा। तब कृष्णदास जी चुंडावत को पूछा, क्योंकि मेवाड़ी सेना में अग्रिम पंक्ति में हरावल पंक्ति में चुंडावत रहते थे, और मेवाड़ के राणाओं के प्रधानमंत्री पद पर भी कौन रहते थे, चुंडावत रहते थे। चुंडावत जी को बुलाया गया, पूछा गया कि आपके अगले राणा कौन है। तब उन्होंने थोड़ी देर उत्तर नहीं दिया और उन राम सिंह जी तंवर ने कहा कि वर्तमान की इतनी खराब परिस्थितियां हैं, अकबर जैसा हमारा दुश्मन छाती के ऊपर खड़ा है, और अभी कुछ समय पहले 1568 के अंदर उसने चित्तौड़ में कत्लेआम करवा दिया था, 30,000 उसने काट डाले थे। ऐसी परिस्थिति में जगमाल राजा होगा क्या मेवाड़ का, आप उत्तर क्यों नहीं देते हो। कृष्णदास जी चुंडावत ने कहा कि अगला मेवाड़ का राजा प्रताप सिंह होगा, जिसके कमर पे तलवार बांधी जाए। प्रताप सिंह के कमर पे तलवार बांधी जाती, वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर था, शमशान घाट में भगवान शिव का मंदिर था, और ये शिव जी को तो पूछते थे, मेवाड़ी एकलिंग के दीवान थे, और वहां उनका राज्याभिषेक हो जाता। राज्याभिषेक होने के बाद में राम सिंह जी तंवर अखेरा जी सोनग्रा जाते महलों के अंदर, और महलों में जाने के बाद राजगद्दी पर विराजे, जिनका नाम है जगमाल जी को कहते हैं, जगमाल जी कृपया करके थोड़ा साइड में आ जाइए, क्योंकि ये सीट किसके लिए है, ये प्रताप सिंह जी के लिए। तो जगमाल जी भी देखो देख रहे हैं, लेकिन इनको राजगद्दी से हटाया जा रहा है। राणा कौन बनेगा, एक ऐसा व्यक्ति राणा बनेगा जो मेवाड़ की आन बान शान को बचाएगा, पूरे हिंदुस्तान की लाज रखेगा, उसको बनाना पड़ेगा। इनको यहाँ राजगद्दी से हटाया जाता है और उसके बाद इनका राज्याभिषेक हो रहा। देखिए कृष्णदास जी चुंडावत ने इनके कमर पर तलवार बांधी थी, और तलवार बांध करके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा है। 28 फरवरी 1572 उम्र कितनी हुई, 32 वर्ष के हो गए, और 32 वर्ष में इनका राज्याभिषेक हुआ। चित्तौड़ का जब तीसरा साका हुआ था उस समय चित्तौड़ दुर्ग से इनको एक योजनाबद्ध तरीके से निकाल दिया गया, और वो निकालने वाले थे जयमल जी राठौर। जयमल जी राठौर को पता था मेवाड़े नहीं राजपूताने की अगर कोई लाज रखेगा तो लाज रखने वाला व्यक्ति यही है, जिसका नाम है राणा प्रताप है। राज्याभिषेक होने के बाद में और उधर अकबर इधर प्रताप सिंह, दोनों की अगर तुलना की जाए, अकबर के दादा जिसका नाम बाबर, प्रताप सिंह के दादा जिसका नाम राणा सांगा। राणा सांगा और इन दादों के बीच में युद्ध हुआ था जिसका नाम था खानवा का युद्ध।
फिर बात आती है प्रताप के सिंह के पिताजी उदय सिंह और अकबर के पिताजी हुमायूं, जिनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा था। उथल पुथल मेवाड़ में हो चुकी है, इधर मुगल साम्राज्य भी काफी टूट चुका है और इधर मेवाड़ भी काफी टूट चुका है। अब इधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप। अकबर ने एक राजपूत नीति अपनाई, उसको लगा पूरे भारत पर राज करना है तो राजपूतों का सहयोग जरूरी है। राजपूतों में कोई भी घराना ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा विरोध करे, अगर एक ने भी विरोध किया तो दूसरा विरोध करेगा, इसलिए सबको अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में, और उस समय सब कहते थे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और प्रताप सिंह के सामने वो आंखों के अंदर वो स्थितियां थी 1568 वाली, उनको पता था कि मैं मुगलों की अधीनता कतई स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन वो हिंदुस्तान का बादशाह अकबर, वो भी भला कहां मानने वाला है, क्योंकि अधीनता की शुरुआत तो आमेर से हो चुकी थी। 1562 के अंदर आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर दिया, अधीनता का क्रम तो चल ही रहा था। 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार में भी घरानों ने आकर के अधीनता स्वीकार कर दी थी। जैसे ही राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के बाद अकबर ने कहा कि दूत भेजो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, जलाल खां कोरची आए। तो जब जलाल खां कोरची आए तो उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। उस समय भारमल जी के बेटे, भगवान दास जी के बेटे मान सिंह, मतलब भारमल जी का पोता मान सिंह, मान सिंह इतिहास में बड़े मर्द राजा हुए, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हुआ। मान सिंह जब गुजरात आए हुए, तब मान सिंह कहा कि आप डूंगरपुर से, डूंगरपुर जीतते हुए आस्करण राजा को हराते हुए वे लोग जब पहुंचे, ये समाचार प्रताप सिंह के पास में गया कि कौन आ रहे हैं, आमेर के राजा के रूप में मान सिंह आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उदय सागर झील, पीछे झील दिख रही है, उदय सागर झील के किनारे भोजन की व्यवस्था की गई, और उस भोजन की टेबल पर जब बैठने की बात आई तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह जी को भेज दिया कि जाइए, क्योंकि ये भी आमेर के राजा नहीं है, ये भी राजकंवर है, आप भी राजकंवर है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि राजकंवर राजकंवर भोजन करेंगे, राष्ट्रपति कोई भारत में आ गया तो राष्ट्रपति भोजन करने टेबल पे जाएंगे, प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री जाएंगे, किसी राज्य का मुख्यमंत्री आया तो मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, प्रोटोकॉल ये कहता है। साथ में भीम सिंह जी डोडिया को भेज दिया गया कि डोडिया साहब आप भी जाइए साथ के अंदर और बातचीत करिए। तब यहाँ अमर सिंह और सामने इधर मान सिंह और भीम सिंह जी डोडिया वगैरह सब गए वहाँ पर, इन्होंने भोजन करने से मना कर दिया और पूछा कहाँ हैं आपके पिताजी, तो कहा कि पिताजी के तो पेट दर्द हो रहा है। मान सिंह ने कहा मैं पेट दर्द का इलाज तो बहुत जल्दी कर दूंगा। तब महाराणा प्रताप ने समाचार भिजवाया, भीम सिंह जी डोडिया को कहा कि आप ऐसा उतावला हो तो कह देना। उन्होंने कहा मान सिंह जी आप आओगे तो मालपुरा में मिलूंगा, आप आओगे तो मालपुरा में मिलूंगा, आपके फूफा जी आएंगे, फूफा जी कौन, अकबर, आपके फूफा जी आएंगे तो जो स्थान निश्चित करेंगे वहां मिलूंगा। और जाते जाते भीम सिंह डोडिया ने भी कहा मान सिंह अगर आमना सामना हो जाए तो याद रखना पलक झपकते ही स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, नाम मेरा भी भीम सिंह डोडिया है। मान सिंह जी बहुत क्रोधित किया। मान सिंह अकबर के पास जाने के बाद अकबर को कहा कि हो सके तो हल्दी घाटी का नेत्र तो मुझे देना, क्यों कि मुझे बदला लेना है, मुझे वहां पर अपमानित किया गया। लेकिन अकबर बहुत होशियार व्यक्ति था, अकबर ने कहा नहीं अभी युद्ध नहीं करना है, प्रोटोकॉल के अनुसार आपसे प्रताप नहीं मिले होंगे तो प्रोटोकॉल के अनुसार काम करते हैं, भगवान दास जी को भेजते हैं जो अभी वर्तमान में आमेर के राजा है, ये वही भगवान दास जी है जो चित्तौड़ के तीसरा साका हुआ था, उस समय मुक दर्शक बन के खड़े देख रहे थे और वहां पर हजारों व्यक्तियों का कत्ल हो रहा था। भगवान दास जी आए तो महाराणा प्रताप की उनकी गोगुंदा में भेंट हुई। अगर सवाल पूछ ले कि इनकी भेंट कहां पर हुई थी, गोगुंदा में हुई, गोगुंदा में उनकी भेंट हुई, और गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप ने कहा भगवान दास जी शायद आपको याद होगा कि आपके पूर्वज किसके ध्वज के नीचे लड़ते थे, हमारे ध्वज के नीचे लड़ते थे, जब मेरे दादा खानवा का युद्ध लड़ने के लिए गए थे तुम्हारे आमेर से कौन आए थे, पृथ्वीराज जी कछवा आए थे, हमारे ध्वज के नीचे लड़े तुम लोग, आज मेवाड़ी ध्वज मेरा झुका देता हूं और आमेर का ध्वज करो ऊंचा, मैं लड़ूंगा आपके ध्वज के नीचे, आओ और मुगलों को देते हैं टक्कर। भगवान दास जी ने कहा ये संभव तो हमारे लिए नहीं है, वापस गए। अकबर ने पूछा क्या कहा, भगवान दास जी ने कहा वो तो ऐसी बातें कह रहे अब कहने से कोई मतलब नहीं है,
वो कह रहे आमिर के ध्वज के नीचे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। टोडरमल को भेजा, टोडरमल बहुत होशियार व्यक्ति, टोडरमल ने बहुत बातें बताई, टोडरमल ने क्या मतलब है प्रताप, क्या मिलेगा आपको, अधिकतर ने अधीनता स्वीकार कर दिए, छोड़ो ने इन सबको, आराम से रहोगे, जिंदगी जियोगे। महाराणा प्रताप ने कहा यही तो लिखा हुआ नहीं है ना, आराम ही तो नहीं लिखा हुआ और मुझे आराम की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अकबर ने कहा अपनी सेना रवाना करो और सेना लेकर के अजमेर पहुंचे। तब तक इन्होंने अकबर ने किसी को भी अपना सेनापति नहीं बनाया सेना का। उसको पता था कि अगर मुस्लिम को सेनापति बनाया तो अकबर की सेना में ज़्यादातर राजपूत रखे गए थे, वो नाराज हो जाएंगे। वहाँ आकर के उसने सेनापति बनाया, तब ऐसी स्थिति के अंदर अकबर के मुस्लिम सेनापति नाराज हुए थे। मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाया था, तब काजी खां, नबी खां ये नाराज हो गए थे और वापस निकल गए। इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, ये सेनापति मान सिंह है तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, सेनापति तो हम रहेंगे। आसफ खां को सहायक कमांडर बनाया गया था और ये सेना लेकर के मान सिंह को कमांडर बना करके पूरी उम्मीद के साथ में भेजा जाता है कि मान सिंह जाएगा तो युद्ध जीत करके आएगा। मान सिंह वहां से मांडलगढ़, मांडलगढ़ से मोही गांव, मोही गांव से होता हुआ गोगुंदा पहुंचा। उधर समाचार मिले महाराणा प्रताप को कि मान सिंह आ चुका है। महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को कुंभलगढ़ से थोड़ा नीचे की ओर लिया और कुंभलगढ़ से निकल रहते हुए हल्दी घाटी तक पहुंच गए। महाराणा प्रताप ने कहा कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती मेरे दादा राणा सांगा ने की, हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती हेमू ने की, इसलिए हमें गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इन मुगलों के सामने हाथी पे बैठ करके मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये टारगेट सीधा किसको बनाते हैं, राजा को बनाते हैं। बड़ी होशियारी के साथ लड़ना पड़ेगा, कितने सारे योद्धा इनके साथ में, रामदास राठौर, राणा रावत सांगा, भीम सिंह डोडिया, राम सिंह जी तंवर, सबसे बुजुर्ग हल्दी घाटी के योद्धा अखेराज जी सोनगरा, ये सब इनके साथ में पूरी टीम, और साथ साथ में हकीम खान जी सूरी हरावल दस्ता देख रहे हैं। पिछले चंदावल के अंदर पूंजा भील सरदार, जगन्नाथ जी पुरोहित, मेहता जयमल, जैसा कैसा चारण, बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर के उतर जाते। और वो समय नज़दीक आ चुका है जब युद्ध होना अनिवार्य हो गया। कहा भी गया ना कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है फेंक जहाँ तक हला जाए। अब मुझे 80 किलो का भाला इतनी ताकत के साथ फेंकना है, जहाँ तक जाएगा फेंकना है, युद्ध में सबको लड़ना है, क्योंकि युद्ध टाला नहीं जा सकता, परीक्षा को टाला नहीं जा सकता, बहाना बनाया नहीं जा सकता, सीखा जाए। और पूरी ताकत के साथ जब लड़ना है तो पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, अन्यथा मैदान छोड़ के चले जाना चाहिए। अधूरा जीवन में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसर घोड़ा झांकिया भव सागर रे मई, तारण वालो तार से साइयों पकड़ से बाएं। पूरी ताकत के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को कहा कि आपको लड़ना है। और सीधी सी बात है, उनको पता था कि हमारा नेतृत्व करता इतना अच्छा है तो हमें लड़ना ही है। और उधर सामने मान सिंह, आसफ खां, बड़े बड़े योद्धा उधर सामने भी थे, सेना लेकर के जो लोग पहुंच चुके हैं। 18 जून 1576, गर्मी का महीना है, मुगलों को थोड़ी गर्मी कम सूट होती है, और एक संकड़ी घाटी भी पड़ती है जिसे हम हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। युद्ध शुरू हो जाता है इनके बीच में, और युद्ध, इस युद्ध को हाथियों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब युद्ध शुरू होने के बाद में कैसी परिस्थितियां घटती हैं वो भी आप एक बार देखिए कि युद्ध किस तरह से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका है, इस तरह से देखिए, इसकी आवाज मैंने म्यूट कर रखी है। ये सैनिक मुगल सैनिक है सब, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर ये राजपूत सैनिक है जो दिख रहे हैं आपके सामने। महाराणा प्रताप आ चुके हैं, महाराणा प्रताप अब भाला लेकर के मान सिंह पर प्रहार करेंगे, और ये चेतक ने देखो पैर उठा दिए और हाथी के ऊपर पैर दे दिए, ये वार किया, मान सिंह ओदे के अंदर छुप गया। खून से लथपथ जब इसको देखा गया, ये हाथी ने देखो चेतक का पीछे का पैर काट दिया, पीछे का पैर काट दिया। ऐसी स्थिति के अंदर झाला मान आए और महाराणा प्रताप से निवेदन किया कि आप युद्ध भूमि से बाहर जाइए और ये मुकुट मुझे दीजिए। ये मुकुट पहन करके इन युद्ध भूमि से इनको बाहर भेजा जा रहा है, और ये कह रहे हैं मैं हूं महाराणा प्रताप, आओ और लड़िए। ये देखो इनको चारों तरफ से घेर दिया गया मुगल सेना ने। मुगल सेना ये सोच रही है कि महाराणा प्रताप यही है,
और यहाँ से ये लोग ये निकल गए। चेतक के चलने की स्थितियां भी आप देख चुके हैं। ये देखिए किस तरह से चला, ये 26 फीट का नाला पार कर दिया और ये गिर गया। देखो 26 फीट का नाला पार करने के बाद यहां पर चेतक गिर जाता है। तब कहा गया कि चेतक चढ़ गयो हाथी पे, जन मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा ने, नब होद्यो टूट्यो जाए, रण में घमासान मच जाए, बेरी रणसू भाग्या बजाए। एकदम सन्नाटा छा गया। जब महाराणा प्रताप ने जब भाला उठाया ना, तब एक बार तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मान सिंह जी को कहा कि मान सिंह जी आज मुलाकात कर ही लेते हैं, और मान सिंह जी को लगा कि ये भाला जो प्रहार हो गया, इस भाले से बचना मेरे को बहुत जरूरी है। तब वो होदा टूट गया, तो इतना जबरदस्त प्रहार था, लेकिन नुकसान किसने कर दिया, इस हाथी ने पूरा गड़बड़ कर दिया। वो महाराणा प्रताप ने संकड़ा स्थान चुना था, संकड़ी घाटी सुनी थी। अब उसके अंदर सेना को प्रवेश, बड़ी सेना को वहां से प्रवेश करवाना थोड़ा मुश्किल था, बड़ी सेना वहां से प्रवेश नहीं करवाई जा सकती थी, वो संकड़ा स्थान था। तो उस संकड़े स्थान से कैसे निकलना है, देखिए एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। उस स्थान ये हल्दी घाटी है, देखो इतनी कोई ज्यादा दूरी नहीं है, इतनी दूरी नहीं है, ये हल्दी घाटी है। इधर सेना अकबर की है और सामने सेना किसकी है, महाराणा प्रताप की सेना है, सामने महाराणा प्रताप की सेना है। ये अभी का लेटेस्ट वीडियो है, उसमें आप मत सोचना कि सेना कोई टैक्सी में आ रही होगी, हाँ ये अभी का है। बस आपको समझाने के लिए है कि उस समय इस तरह की घाटी थी, उस घाटी में से सेना बड़ी संख्या में सेना उधर उधर आ जा नहीं सकती थी, नहीं सकती थी, ऐसी उस समय की परिस्थितियां थी। तब कहा गया हल्दी घाटी रंगी खून सु नालो बहतो जाए। ये हल्दी घाटी खून से रंग चुकी थी। अब्राहम लिंकन का जब भारत दौरा तय हुआ, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं भारत जा रहा हूं, क्या लाना है वहां से। उसने कहा उस शूरवीर योद्धा जहां लड़ा था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, उस हल्दी घाटी की मिट्टी को लेकर के आना, बस उस मिट्टी को मेरे सिर पे लगाना है। क्या शूरवीरता थी उसके अंदर, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह भी उसके सामने डरता था, उसको भी ऐसा लगता था सपने के अंदर कि प्रताप आ जाएगा। राणा थारी डकार सुनने अकबर धुजियो जाए। इसको हल्दी वहां का मिट्टी इसी तरह की मिट्टी होने के कारण इसको क्या कहा गया, हल्दी घाटी कहा गया। इस तरह की वहां पर मिट्टी है, हल्दी घाटी की इस तरह की मिट्टी है। अब्राहम लिंकन तो नहीं आ पाए, लेकिन जीके के सर वहां पहुंच चुके हैं, और इस तरह की वहां हल्दी है, हल्दी घाटी, इसलिए इसको हल्दी कहते हैं। तो यहां पर महाराणा प्रताप का उस समय स्थितियां ऐसी रही, इस हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप की सेना थोड़ी और आगे आ गई, और उस समय मीटिंग की। तब बुजुर्ग जो योद्धा थे, उन बुजुर्ग योद्धाओं ने कहा कि अभी आगे वाले मैदान में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो काफी संख्या में सेनापतियों ने कहा नहीं हम आगे वाले मैदान में जाएंगे, तो निर्णय लिया गया कि अगले मैदान में पहुंचते हैं। और थोड़ा सा ही घाटी से आगे आ गए, और घाटी से आगे आए, एक दिन तो पूरा हाथियों के नाम रहा। महाराणा प्रताप के पास हाथी थे, लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रपाण, मुगल सेना में थे रण मदार, गजराज, मर्दाना, मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठे थे। ये थोड़ा सा आगे मैदान के क्षेत्र में आ गए, और मैदान में आने पर मुगल वहां से भागने लगे। तब एक व्यक्ति ने जोर से ढोल बजाकर कह दिया कि मुगल बादशाह अकबर युद्ध मैदान में पहुंच चुका है। उसका नाम था मैतर खां। इससे मुगल सेना में और जोश आ गया। जोश आने के बाद वो लड़ने लगे। तब परिस्थितियां विकट थी, और इस परिस्थितियां विकट परिस्थितियों के कारण वहां पर अच्छे जो सेनापति थे, उन्होंने निर्णय लिया कि प्रताप, महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना चाहिए। अभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो चुकी हैं, बाकी हम अपने आप संभालेंगे। तब वहां पर योद्धा हकीम खां सूर, राम सिंह तंवर, अखेरा सोनगरा, रामदास राठौड़, ये लोग वहां पर परिस्थितियां संभालते हैं, और झाला मन्ना मुकुट पहनते हैं। तब इतिहासकारों ने वहां के शिलालेखों में यह निर्णय हुआ कि इस हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी,
और 80,000 की सेना थी किसके पास? मुगलों के पास। परिस्थितियां तो इस प्रकार की थी, जब युद्ध चल रहा था तब बदायूं ने आसफ खान को पूछा कि मिस्टर आसफ खान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अपने सैनिक कौन से और उनके सैनिक कौन से, क्योंकि अधिकतर मुगल सेना में भी राजपूत सैनिक थे। तब आसफ खान ने वापस उत्तर दिया था कि बदायूनी, तुम तो तलवार चलाओ, यहां पर राजपूत की गर्दन कटनी चाहिए, अपने और उनके मत देखो, तुम तो काटते चलो। देखो किस तरह की वहां परिस्थितियां थी और सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति कितनी अलग थी। मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वाभिमान क्या होता है, ये महाराणा प्रताप ने सबको सिखा दिया। इसके बाद में देखिए, ये एक चित्र है, इस चित्र से भी वापस आपको सारा दृश्य वो समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी आपने फिल्म में देखा था वो दृश्य वही है, जब किसके ऊपर प्रहार किया जाता है, मानसिंह के ऊपर प्रहार किया जाता है, क्योंकि मैन योद्धा इसमें मानसिंह है और योद्धा यानी कि सेना का जो सेना नायक है वो घायल हो गया, इसका मतलब सेना घायल है, उनके ऊपर ये प्रहार किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट में आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यहां पर महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी कि मैं अब महलों में नहीं जाऊंगा, अब सेनापतियों के पास में रहूंगा, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीऊंगा। ये महाराणा प्रताप ने सभी के पास में बैठ करके कसम खाई थी कि सामान्य जो व्यक्ति होंगे उनके साथ बैठ करके भोजन करूंगा, लेकिन अब मैं दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहां से आगे चलते हैं। हल्दीघाटी युद्ध के बाद में ये लीजिए परिस्थितियां इस प्रकार की हुई। हल्दीघाटी 1576 में हुआ, जिसको डॉक्टर गोविंदनाथ शर्मा ने कहा, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन 1578 कुंभलगढ़ हुआ, कुंभलगढ़ में शाहबाज खां को अकबर ने 3 बार भेजा, 77, 78, 79। और 78 के अंदर कुंभलगढ़ के ऊपर जब महाराणा प्रताप में उपस्थित नहीं होते हैं तब शाहबाज खां द्वारा आक्रमण किया जाता है और शाहबाज खां वहां जीत जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग इनके हाथ से निकल जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग हाथ से निकलने के बाद में फिर महाराणा प्रताप ने फिर गुरिल्ला पद्धति से युद्ध शुरू किया। उस समय योगी रूपनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और योगी रूपनाथ जी ने कहा था कि मगरा चल के राजपूत अगर आपका सहयोग कर दे तो आप आगे वाले युद्ध जीतोगे। मगरा चल के राजपूतों का इन्होंने सहयोग लिया और सहयोग लेने के बाद में युद्ध के क्रम को फिर जारी रखा। तब ऐसी स्थिति के अंदर एक समय परिस्थिति ऐसी घटित हुई कि शाहबाज खां के बाद में आया, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना जब आया वहां पर, तब अमर सिंह के द्वारा उसके ऊपर जबरदस्त आक्रमण किया गया और आक्रमण करके और अब्दुल रहीम खान खाना की जो बैग में थी उसको पकड़ा गया और उसको बैगमों को लेकर के यहां पर लाया गया। देखो ये बैग में पकड़ में आ गई, किसकी है? दो ही है, तीन है, मुझे नहीं पता। ये अब्दुल रहीम खान खाना है। जैसे ही पकड़ में आई और इसको लेकर के आए महाराणा प्रताप के पास में, महाराणा प्रताप ने कहा, मिस्टर अमर सिंह जी आपने ये क्या कर दिया? फिर आप में और अकबर में और हमारे में अंतर क्या रहेगा? हमारे में अकबर में फिर अंतर क्या रहेगा? क्या इसी तरह से हम स्वाभिमानी पुरुष कहलाएंगे? आप जाइए और साथ सम्मान इनको वापस लौटा करके आइए। और खास बात एक ध्यान दीजिएगा, खान खाना जी की बेटी की साथ में राखी बंधवा दीजिए, उसको बहन बना दो और इनको साथ सम्मान वापस लौटा करके आइए। गए और साथ सम्मान इनको वापस लौटा करके आ गए। खान खाना जी बड़े प्रसन्न हुए। अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना भी अच्छे व्यक्ति थे। बाद में कहते हैं कि उन्होंने शिया मुसलमान थे और अपना धर्म भी चेंज कर दिया था, बहुत अच्छे थे और अमर सिंह के साथ इनका पत्र व्यवहार होता था। तब अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा था अकबर को जाकर के, उन्होंने कहा कि आप वहां से लड़े नहीं, किस उन्होंने कहा कि शूरवीरों के साथ लड़ना कायरों का काम नहीं होता है, मैं उन शूरवीरों के सामने नहीं लड़ूंगा। तब पूछा क्यों नहीं लड़ोगे? उन्होंने कहा कि उनके प्रति जो मातृभूमि का प्रेम और सबसे बड़ा गुण होता है वो चरित्र का होता है, अगर यह चरित्र महाराणा प्रताप में नहीं होता शायद महाराणा प्रताप को आज कोई याद नहीं करता।
एक कलंक लग जाता आज यहाँ, लेकिन इस कलंक को लगने नहीं दिया वो महाराणा प्रताप ने। उसके बाद में 1582 और युद्ध था जिसका नाम था दिवेर का युद्ध, और इस दिवेर के युद्ध के अंदर सुल्तान खां, जो अकबर के रिश्ते में काकाजी लगते थे, और सुल्तान खां अच्छे योद्धा भी थे, और जब दिवेर पर आक्रमण होता है इनका, विजयादशमी का दिन होता है, विजयादशमी के दिन क्षत्रिय शस्त्रों का पूजन करते हैं और इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। जब उस समय आक्रमण हुआ तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी को कहा था कि अमर सिंह जी सावधान रहना, सुल्तान खान इज ए वॉरियर, सुल्तान खान एक बहुत बड़े योद्धा है, इनसे जीतना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सावधानी से, मैं भी साथ हूँ। लेकिन वो अमर सिंह जी का प्रहार इतना तेज प्रहार था और उन्होंने जबरदस्त भाले से प्रहार किया, देखिए भाला इतना तेज था कि भाला इनके छाती में से होता हुआ, घोड़े की पीठ में से होता हुआ जमीन में धसा दिया था, घोड़ा भी गिर जाता और खुद भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ भाला निकालना मुश्किल हो गया। मुगल सैनिकों से जब भाला नहीं निकला, तड़प रहे थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे सुल्तान खान जी, इन्होंने कहा कोई गंगा जल पिलाओ गंगा जल। तब ऐसी स्थिति के अंदर अमर सिंह जी ने भाला निकाला, तब छाती पे पैर दिया था, महाराणा प्रताप ने डांट लगाई थी कि किसी योद्धा के छाती पे पैर कभी नहीं देने चाहिए। युद्ध भूमि में घायल होने वाला कोई भी योद्धा वो सम्मान योग्य, सम्मानजनक योग्य, उसके ऐसे पैर से ठोकर नहीं मारी जाती। तब इनका भाला निकालने के बाद इनको गंगा जल पिलाया गया था। सुल्तान खान की मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध जीत जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये तो हो गया मेवाड़ का मैराथन हो गया। उसके बाद में प्रताप को लगा कि अकबर को लगा कि अब किसको भेजूं। सुल्तान खान युद्ध हार चुके हैं, तब उसने अंतिम अभियान के रूप में भेजा था जिसका नाम था जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ को अंतिम अभियान के रूप में 1584 में भेजा था। 1585 को महाराणा प्रताप अपनी राजधानी ले जाते हैं चावंड। 1595 से लेकर 1597 तक राजधानी इनकी चावंड रही। 1585 से लेकर 1597 तक कोई आक्रमण अकबर का नहीं हुआ। इसे इतिहासकार कहते हैं अघोषित संधि काल, किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो फिर अगर हम इतिहास में इस तरह से पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह इनको झुका सकता था, लेकिन 85 से 97 तक फिर झुकाया क्यों नहीं? लेकिन इनको लग गया था कि ये स्वाभिमानी पुरुष हमारे से झुकने वाला नहीं है। आगे की हम बात करते हैं, उसी समय अकबर का एक योद्धा था जिस योद्धे का नाम था बहलोल खां उज्बेक, गजब का योद्धा था, इसको तैयार किया हुआ था महाराणा प्रताप के लिए। कई लोग हथौड़ा लेकर के इसके सिर पे ठरका देते थे, इसको इतना मजबूत बनाया हुआ था, नर बक्षी था, ये जिंदा जिंदा खा जाता था, ये एक ऐसा व्यक्ति था, इसको इस तरह से तैयार किया हुआ था। तब हाथी भाटा नामक स्थान पर राजसमंद में, वो राणा खेत था और हाथी भाटा नामक स्थान था, उस स्थान पर महाराणा प्रताप ने फिर अमर सिंह को कहा, मिस्टर अमर सिंह इस बार थोड़ा दूर रहना, बहलोल खां के सामने मुझे जाने देना, क्योंकि बहलोल खां को जिस तरह से तैयार किया गया है ना वो मुझे पता है, बहलोल खां भी बहुत बड़ा योद्धा है। तब महाराणा प्रताप पास में जाते और बहलोल खां को थोड़ा उकसाया जाता है, और उकसाने के बाद में बहलोल खां ने वार करने की कोशिश की, तो महाराणा प्रताप ने इतना ज़बरदस्त वार किया, क्योंकि पर्सनैलिटी बड़ी गजब की थी, 7 फिट 5 इंच हाइट थी महाराणा प्रताप की, हाइट वाइट बड़ी जोरदार थी। तब इतना जोर से प्रहार किया महाराणा प्रताप ने कि बहलोल का 2 हो गया। देखो घोड़े सहित बहलोल खां को घोड़े सहित काट दिया, आधा बहलोल खां इधर आधा बहलोल का इधर, इन लोगों की देखो बीपी लो हो गई, ये जो पास में देखो आंखें फटी की फटी रह गई, ए ओ हुआ नहीं हुआ, देखो इधर देख लो, ये देखो शेर की तरह दाड़ रहे, देखो शेर, ये इनके महाराणा प्रताप के सैनिक है, शेर की तरह दाड़ रहे, पीछे से कह रहे हैं लगाओ झटका। लगाया झटका घोड़े सहित, महाराणा प्रताप ने 3 दिन तक व्रत किया। इन्होंने कहा कि मेरे साथ में एक जीव कट गया मेरे हाथ से, और कौन कट गया? घोड़ा कट गया, जीव कट गया मेरे हाथ से, इतना जबरदस्त प्रहार किया था इनके ऊपर।
ये बातें जब अकबर के पास में पहुंची, तब अकबर ने किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, जिस दिन प्रताप कर आपका आमना सामना हो गया, वो आपका अंतिम दिन होगा। अकबर ने कहा, मैं तो सामने ही नहीं जाऊंगा, बाकी भेजे बहुत। महाराणा प्रताप ने कई समाचार भेजे कि आप आ जाओ, अपन दोनों युद्ध लड़ लेते हैं। ये महाराणा प्रताप भी एक ऐसे राजा थे जो अपने पास दो तलवारें रखते थे। महाराणा प्रताप के आप फोटो में देखना, यहाँ पर इनके पास में दो तलवारें थी। दो हाथों से चलाना नहीं, महाराणा प्रताप कहते थे कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा दुश्मन आ जाए जिसके हाथ में तलवार नहीं है, तो मैं मेरी तलवार दे दूंगा, लेकिन नी हथे पर वार नहीं करूंगा, पीठ के पीछे किसी पर वार नहीं करूंगा। ये थे राष्ट्रभक्त, इसे बोलते स्वाभिमानी पुरुष। पीठ के पीछे वार किए होते तो शायद राजपूताने को कोई हरा नहीं सकता था। ये लोग नी हथे पर वार नहीं करते थे, तब दो तलवारें अपने पास में रखते थे। हालांकि कई ऐसे राजा हुए, योद्धा हुए इस धरती के ऊपर, भरतपुर के जाट राजा सूरजमल, वो अफलातून के नाम से जाने जाते हो, तो दो हाथों से तलवार चलाते थे। हल्दी घाटी हरावल दस्ता देखने वाले हकीम खान दो हाथों से तलवार चलाते थे, और दोनों हाथों से उतनी गजब तरीके की कलाबाजी दिखाते थे। इसके बाद में ये है चेतक, ये छतरी बनी हुई चेतक की बलीचा, वो नाला पार करने के बाद चेतक यहाँ पर गिर जाता है। और चेतक के यहाँ पर गिरने के बाद में जब वो परिस्थितियाँ, जब हल्दी घाटी युद्ध की परिस्थितियाँ की मैं बात करूँ वापस, उस समय एक दो मुगल सैनिकों को पता चल गया कि महाराणा प्रताप ने मुकुट चेंज कर दिया और किसी दूसरे को युद्ध लड़ाया जा रहा है। शक्ल में दोनों एक जैसे थे। तब शक्ति सिंह ने उस समय उन मुगल सैनिकों का वध किया और शक्ति सिंह यहाँ आकर के पहुंच गए। शक्ति सिंह ने पीछे से आवाज दी, ओ नीले घोड़ेरा असवार। तो महाराणा प्रताप को लगा कि कोई जान पहचान वाला लग रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो शक्ति सिंह। तब उस गीत में गाया गया, शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगारे माए, गले लूम गयो प्यार झूम गयो, वचन न मुंडे आए, के दोनों आंसू ढा टपकाए, वारी बाया कौन छुड़वाए। दोनों आंखों से उनके आंसू टपकने लगे और बाहें पकड़ लिया, अब छुड़ाए कौन दोनों भाइयों को। तब प्रताप सिंह ने कहा था महाराणा प्रताप ने, शक्ति सिंह जी आपकी कोई गलती नहीं है, युद्धा का धर्म होता है युद्ध लड़ना, आप अपना धर्म निभा सकते हो, चाहे हमारे पक्ष में लड़ो या चाहे सामने लड़ो, लेकिन लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं और मैंने आपका ही साथ दिया। और शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। ये मेरा घोड़ा, जिसको नाटक यानी कि सही नाम था त्राटक, ये घोड़ा आप ले जाइए, चेतक बोलते सही नाम था चेतक, ये मेरा घोड़ा आप ले जाइए यहाँ से और मैं आज आपके साथ में हूँ। यहाँ पर इनकी समाधि बनी, चेतक की समाधि बनी। तब महाराणा प्रताप ने कहा, हूँ याद करूं हल्दी घाटी ने, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, जूती जी हूक जगा जावे। ये सुख दुख का साथी था, महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ था चेतक के जाने पर, क्यों चेतक के आगे हाथी की सूंड लगाते थे, लोगों को कंफ्यूज करते थे, उनको लगता था कि महाराणा प्रताप हाथी पर सवार है, जबकि वो हाथी पे नहीं थे, किस पे थे, चेतक, चेतक पर सवार थे। इसके बाद बात करता हूं, ये महाराणा प्रताप ने इसको झुकने नहीं दिया, यह है मेवाड़ी पाग। आपको चित्र से ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी, बिल्कुल इतनी बड़ी, और सिर भी इतना बड़ा था, इतनी पर्सनैलिटी थी। 80 किलो का जब भाला लगता रखते थे अपने पास, 72 किलो का जब कवच पहनते थे, 110 किलो खुद का वजन था, और फिर वो सारा घोड़े के ऊपर बैठते थे। आजकल देखा नहीं कैसे मसाले मिक्स आने लग गए, लोगों की खोपड़ियां इतनी इतनी हो गई है, हुआ नहीं हुआ है? हाई टेक्नोलॉजी वाले अभी बच्चे जन्म रहे, साफा पहनाते उनके ऊपर घूम रहा है। मैंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की पगड़ी है। अकबर के पास में एक ऐसा संदेश गया कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसने पृथ्वीराज जी को बुलाया और पृथ्वीराज को बुला करके कहा कि मैं आज बादशाह धरती रो, उसने कहा कि मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में, अब बता कण रजबट रहे रजपूती खून रगा में। और ये कौन कह रहा है, अकबर कह रहा है पृथ्वीराज को कि मैं आज बादशाह धरती रो, ये मेवाड़ी पाग पगा में। बस यही तो रखना नहीं चाहते थे ये लोग, ये पड़ी मेरे पगा में, ये देख पत्र पढ़ ले, अब बता तू कण रजबट रहे रजपूती खून रगा में,
बताते थे राजपूत और खून राणा, अब बता किसके अंदर है। महाराणा प्रताप के पास जब पत्र गया तो महाराणा प्रताप ने लिखा कि रजपूतण रो जायो हो रजपूती फर्ज निभाऊला। महाराणा प्रताप ने वापस लिखा कि रजपूतण रो जायो हो रजपूती फर्ज निभाऊला, शीश कटे पाग नहीं झुके दिल्ली रो मान झुकाऊला। और उन्होंने दिल्ली का मान झुकाया। कुछ गाने ऐसे जोड़े गए जो कि वास्तव गाने सही नहीं थे। जोड़ा गया अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। अमरिया नन्निया कहाँ था है? कहाँ था नन्ना अमरिया? अमर सिंह तो दिवेर के युद्ध लड़ रहे हैं, अमर सिंह खान खाना को पराजित कर चुके हैं, कहाँ नन्ना था? राणा सांगा का दुख अपने बच्चे को देख करके नहीं जगा था, बच्चे की रोटी ले गया तब राणा सांगा का महाराणा प्रताप का दुख नहीं जगा था। महाराणा प्रताप का दुख तो उस दिन जग गया था कि यहां की पगड़ी झुकेगी नहीं, हमारे घोड़ों पर हम दाग नहीं लगने देंगे और यहां की राजकुमारी की डोली मुगल नहीं उठाएंगे। उस दिन दुख जग गया था, इस पूरे क्षेत्र पर राज होगा तो सिर्फ मेरा ही होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन आगे की पंक्तियां बहुत बढ़िया कही गई कि हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने मैं पाछ निरा की हिरण में बेरारो खून बहावण ने। जिंदगी के अंदर ध्यान रखना, अगर सफल होना है तपस्या करनी पड़ती है। क्या हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो हूं पट्यो घणो हूं रट्यो घणो सरकारी नौकरी लेवण ने मैं कमी नी राखी पढ़ण में मैं पाछ नी राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने। कमी नहीं रखनी है। तो ये जीवन की परिस्थितियां जब याद करते हैं फिर आगे क्या कहा गया, फिर कहा गया जब याद करूं हल्दी घाटी में नेना सू रक्त उतरावे, नाला बहाता खून का नाला क्योंकि मेरा सुख दुख का साथी चला गया था। जीवन के अंतिम समय की परिस्थितियां कैसी रही उसको देखो, क्या जीवन का जो लास्ट समय था उस समय परिस्थितियां कैसी रही। महाराणा प्रताप के लास्ट समय के अंदर भी एक बग नखा था, ये आक्रमण कर रहा था उस समय, बग नखा इसे बोलते हैं, और इसके द्वारा आक्रमण किया गया, ये गायक के ऊपर आक्रमण कर रहा था। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप उस समय उठ गए और उन्होंने कहा इसको मारो इसको, तब उस समय उनके पास में शस्त्र नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंदर महाराणा प्रताप ने शस्त्र उठाया और इसके ऊपर वार कर दिया। देखिए ये देखो, एक तो पंजे में सामने हाथ मिलाया और दूसरा पंजा इसका फ्री है और देव मारा, यहां पर इसने घायल कर दिया महाराणा प्रताप को। इसके घायल करने से 19 जनवरी 1597 को कितने वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के, 57 वर्ष के होने के बाद में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। महाराणा प्रताप जिनकी मौत पर उनका सबसे बड़ा शत्रु अकबर भी रोया था। ये दोनों तलवारें रखते थे, ये देखो तलवारें, अकबर की आंखों में भी आंसू आए थे। अकबर ने कहा कि मैंने योद्धाओं के बारे में बहुत सुना है, महाराणा प्रताप तो वास्तव में योद्धा था, सच्चा भक्त था, राष्ट्रभक्त था, नायक था। तुम्हारा इतिहास अमर रहेगा, युगों युगों तक तुम्हें लोग याद करेंगे कि अकबर से भी किसी ने टक्कर ली तो सच्ची तुमने ली थी। आज मेरी आंखों में आंसू है, तेरी वीरता के कारण मेरे आंखों में आज आंसू आ रहे हैं। एकमात्र तुम ही वीर थे जिन्होंने तुम्हारे घोड़े पर दाग नहीं लगने दिया, बाकी राजपूतों के जितने भी घोड़े हैं उनके ऊपर मुगलों की मोहर लगी हुई है, एकमात्र तुम हो जिन्होंने लगने दे दिया, तुम ही वो वीर हो जिन्होंने अपनी डोली नहीं उठने दी, बाकी तो हमने डोलियां उठाई है। आज मैं नमन करता हूं उस वीर को, महाराणा प्रताप को। ये वीरता थी। जीवन के अंदर व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होता है, अंदर से ही कमजोर होता है। कहा गया ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीते। सामने 200 लोग खड़े हैं, शेर की तरह दहाड़ करके आप निकल जाओ 200 भाग जाएंगे। वो विश्वास होना चाहिए, आई कैन डू, मैं ऐसा कर सकता हूं, कठिन परिस्थितियां भी आएगी तो भी उसको भी सह लूंगा लेकिन कमी नहीं आने दूंगा। इस दरमियान एक व्यक्ति को याद करना पड़ेगा जिसका नाम था भामाशाह, पाली के रहने वाले भामाशाह के द्वारा 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई
और उस 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से इन्होंने सेना की तैयार की थी। एक मजीरा गांव था, मजीरा गांव से भील सेना तैयार की थी और वो भील सेना इनके सहयोग में काम आई थी। वहां से इन्होंने सेना तैयार की और लास्ट के समय जब ये घायल हो गए थे उस समय अपने सेनापतियों को कहा था कि आप लोग मुगलों की अधीनता स्वीकार मत करना, वैसे मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा वीर है, योद्धा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था कि अमर सिंह वीर पिता के वीर पुत्र थे, अमर सिंह बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी विकट आई कि 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। वो वही जहांगीर था जिसने मेवाड़ को जलाकर राख करने की नीति अपनाई थी और इनको वहां जाकर के संधि करनी पड़ी। लेकिन फिर भी सर टॉमस रो लिखता है कि जहांगीर ने मुगलों को अधीन बल से नहीं धन से किया था, धन से अधीन किया था, इसमें मुगलों को फायदा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेवाड़ियों को फायदा हुआ था। मेवाड़ी राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, मेवाड़ी राजकुमारी की शादी मुगलों के साथ नहीं होगी। दो ही शर्तें थी इनकी, इज्जत इसी के लिए लोग लड़ते थे और इसी के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे, ये जीवन पर्यंत लड़ते रहे। तो बात अब शुरुआत करूंगा मैं आपके सामने, हेडिंग डालो आप सभी, महाराणा प्रताप।